जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। कल आपका पेपर है 30 सितंबर को बीपीएससी का, 69 बीपीएससी दोस्तों। और हम सभी उम्मीद करते हैं और पूरा हमको विश्वास है कि हमारे जो छात्र हैं दोस्तों वे सब बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो अपने आप पर विश्वास बनाए रखिएगा, नर्वस नहीं होना है, बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर देकर आने वाले हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आने वाला है। आप अगले मेंस में अप्लाई करने वाले हैं आफ्टर प्रीलिम्स दोस्तों। तो इसी के साथ सबसे पहली बात तो ये तो शुभकामनाएं तो यही हमारी ओर से, पर दोस्तों साथ में आपको उत्कर्ष एक और सौगात दे रहा है, एक और आपको गिफ्ट दे रहा है, सरप्राइज दे रहा है दोस्तों। और उसी सरप्राइज को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। ये सरप्राइज क्या है दोस्तों? तो ये सरप्राइज है आपके सामने दिया हुआ 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट दोस्तों। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको दी जाएगी उत्कर्ष परिवार के द्वारा। ये क्या होने वाला है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे समझिए, आप जैसे ही पेपर देके बाहर निकलेंगे अपना प्रीलिम्स का, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक लिंक दिया जाएगा आपके कमेंट बॉक्स में, इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में एक आपको लिंक दिया जाएगा। उस लिंक को आपको क्लिक करना है दोस्तों। उस लिंक को क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी और वो इंफॉर्मेशन ऐसी रहने वाली है जैसे आपका आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालना है आपको, आपका रोल नंबर इसमें डालना है दोस्तों। तो मोबाइल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर सेलेक्ट टेस्ट सेट, आपका जो पेपर सेट था एबीसीडी जो भी आपका सेट था दोस्तों, आपको वो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने जो जो क्वेश्चन में जो जो आंसर टिक किए हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर वन में ए टिक किया है, क्वेश्चन नंबर बी में आप लोगों ने मान लेते हैं सी या डी टिक किया है, तो ऐसे में आप उसको क्या कर दीजिए, आप उसको फिल करते चलिएगा। अगर मान लेते हैं सवाल ए क्वेश्चन नंबर वन में आपने ए टिक किया तो ए को आप क्लिक कर दें, अगर आपने सी किया है तो सी को क्लिक कर दें। इसी प्रकार से फर्दर जितने भी पेपर में जो क्वेश्चन होंगे, मान लेते हैं 150 सवाल हैं आप लोगों के, 150 क्वेश्चन जब आप कवर कर लेंगे दोस्तों और आप यहां फिल कर देंगे, हो सकता है कई सारे जवाब आपको याद ना भी हो, लेकिन अमूमन होता यह है दोस्तों कि जैसे ही आप जब निकलते हैं तो आपको यह तो याद रहता है कि मैंने किस सवाल में क्या टिक किया था, है ना, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर भी होता ही है। तो ऐसे में उसी को आधार बनाकर आप लोग क्या कीजिए, जो जो आपने आंसर अपने क्वेश्चन में लगाए हैं उनको क्या करना है, आपको इसमें भी फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद जब आप 150 सवाल फिल कर चुके होंगे दोस्तों, तो अंत में क्या होने वाला है, अंत में आप लोगों को इसको सबमिट कर देना है। देखिए 150 क्वेश्चंस हो गए, 150 क्वेश्चंस होने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको क्या होगा, तो शाम को आपकी आंसर की उत्कर्ष के द्वारा रिलीज की जाएगी, जिसमें आप लोगों के जो शिक्षक हैं, जो हम लोग हैं, हम सभी आपके सामने उपस्थित रहेंगे आपके आंसर की लेकर, जो भी सेक्शन पढ़ाया गया था या जो भी आपके सेक्शंस हैं उन सभी सेक्शंस को लेकर आपकी जो क्लासेस में जो हुआ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है दोस्तों, तो उसी क्रम में आपके जो फैकल्टीज होने वाले हैं वो सब आपका एनालिसिस करवाएंगे, आपको एक सही और सटीक आंसर देंगे और उन आंसर्स के आधार पर आप लोगों का जो ये मूल्यांकन है उसे किया जाएगा। अगर आप लोगों के कट ऑफ के एक, 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 एक अनुमानित कट ऑफ आपको बता दी जाएगी, यदि आपको लगता है आपको कट ऑफ मिल जाएगी, आपके नंबर आपको पता चल जाएंगे इसी लिंक के माध्यम से, अगर आपके लिंक में उतने नंबर बन रहे हैं जो कि कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको उसी दिन से यानी कि 30 सितंबर को शाम को 7 बजे से या 6 बजे से ही अपने मेंस की तैयारी में लग जाना है दोस्तों। तो इस तरीके से ये जो है आपके हेल्पफुल रहने वाला है। हेल्पफुल कैसे रहेगा, तो आपका जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपको यहां से मिल जाएगा, एक अनुमानित कट ऑफ, एक अप्रोक्सीमेशन आपको यहां से मिल जाने वाला है। तो क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को जैसे ही पेपर देके बाहर निकलेंगे आप इस लिंक पे जाएंगे, जो लिंक दिया जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में, इस लिंक को क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करने के पश्चात आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आप लोगों से कहा आपका जो फोन नंबर है, आपका जो एंटर मोबाइल नंबर, एंटर आपका रोल नंबर और आपका जो सेट है। इस सेट को भरने के बाद आप अल्टीमेटली आप क्या करें, आप 150 जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने उसमें जो जो टिक लगाए हैं उन सभी को आप भरते चले और लास्ट में शाम को जब आपका एनालिसिस हो जाएगा पेपर का, उसके बाद आपको आंसर की जारी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग जो है क्वालिफाई कर रहे हैं और यकीन मानिए आप सभी क्वालिफाई कर रहे हैं। जो जो छात्र सीरियस हैं, जिससे बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई करी है, तो उनमें से किसी छात्र का ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सभी छात्र होने वाले हैं। बहुत अच्छे से आप परफॉर्म किया है आपने और आप बहुत अच्छा वहां भी परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों हम पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं और फिर एक बार दोस्तों यही 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड आप लोगों को स्टेप्स में फिर बता दूं लास्ट में एक बार, ताकि आप ये भूल ना जाएं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ताकि आप एक भी दिन बिना व्यर्थ किए, बिना वेस्ट किए आप अपनी मेंस को फोकस कर सकें और मेंस में भी आप अच्छा एक रिजल्ट पा सकें। एंटर मोबाइल नंबर, एंटर रोल नंबर, सेलेक्ट टेस्ट सीरीज दोस्तों, जो भी आपका टेस्ट सीरीज है मतलब एबीसीडी, मार्क योर आंसर और सबमिट कर देना है, इतना काम करना है। इस लिंक को क्लिक करने के पश्चात आपको शाम को एनालिसिस दिया जाएगा, उसके बाद आपका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने होगा। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं बहुत शुभकामनाएं हैं दोस्तों, है ना, अल्टीमेटली हम आगे मिलेंगे आप लोगों से और मेंस की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आप सभी प्यारे छात्रों को उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके बीपीएससी 69th के लिए। धन्यवाद दोस्तों।